अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। किसने किया ये? करण जी, वो गलती से मुझसे हो गया। क्या मैं डस्टिंग कर रही थी, गिर के टूट गया वो। ओए, क्या हो गया आपको? क्या हो गया है आप? उस फकीर के सामने वो खाने की प्लेट गिरा दी, आज ये वाज तोड़ दिया। आपके हाथों को हो क्या गया? जंग लग गया आपके हाथों को। करण जी, मुझे माफ कर दीजिए। करण जी प्लीज छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रही है। प्लीज प्लीज ऐसे मत कीजिए। करण जी, करण जी। अरे मना कर रहा था फकीर को, खाना मत दो मत दो, फिर भी समझती नहीं हुआ। और हाथों में क्या हो गया है? कमजोर हो गए, कमजोर हो गए आपके हाथ। ये सड़क के बीच में पत्थर किसने रख दिया? फोन क्यों नहीं उठा रहा? ओ यार, ये आदमी सठिया गया है। ओ मनुषा, तुसी मैनु इतना प्यार करते हो, दो मिनट में चार फोन लगा दिए। अपनी जबान पे लगाम तो बना, जबान उखाड़ दूंगा। तुम्हारा बुरा वक्त कब चालू होगा? मैं समझ में भी नहीं आएगा। भाई साहब, वक्त मेरे इशारों पर चलता है, तो मैं डिसाइड करता हूँ किसका वक्त अच्छा चलेगा और किसका बुरा। बकवास बंद करो अपने। तुम्हारे इशारों पर चलने वाला वक्त कब पलटी खा के तुम्हें निगल लेगा, तुम्हें भड़क भी नहीं पड़ेगी, समझे? यार, तेनू मेरी जरा भी कदर नहीं है। याद रखी, समय बीत जाने के बाद कदर की जाए ना, तो वो कदर अफसोस कहलाता है। गंभीर हो जाओ करण, और एक बात याद रखना, भूखा शेर हमला करता है, लेकिन घायल शेर बर्बाद कर देता है। और इस वक्त शिव एक घायल शेर की तरह है। ओ भाई साहब, शांत हो जाओ, मैंने अपना काम कर दिया है। अब शुभ की फिक्र तेनु करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या किया तुमने? मैं अपनी प्रीति जी के पीछे आने वाले शख्स की बलि के अलावा और क्या चढ़ा सकता हूँ जी? मैंने ना उसके पीछे एक भूखा भेड़िया छोड़ दिया है। मतलब? जब तक आप ये फोन रखोगे ना, तब तक आपको शुभ के मर जाने की खुशखबरी मिल जानी है। वाह, सच में नसीब का खेल निराला है, वो एक गलत फैसले को भी अपने हक में मोड़ देता है। हेलो हेलो,
ओ यार, ये आदमी जितना लंबा है उतना ही उसका दिमाग छोटा है यार। मेरे जिंदगी का कांटा मेरे हाथ लगाए बिना ही सामने से हट गया। अब ये जायदाद पाने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना शुभ की ना किसी और की। आखिर में क्यों इस इंसान को बर्दाश्त कर रही है जो मेरे साथ इतना खिलौना खेल खेल रहा है। मैंने कहा माफी मांगो। मुझे कुछ करना होगा, मैं इसे चुप करके बैठ नहीं सकती। पापा, मैंने पेपर्स रेडी करवा दिए, अब बस चेक कर लीजिए सब कुछ ठीक है या नहीं, पर ध्यान दीजिएगा इसमें कुछ गड़बड़ ना हो। पापा, आप इतने खुश क्यों हैं? पापा, पेपर रेडी हो गए, बस साइन करवाने हैं। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, जला दो इसे। मतलब? मेरे बोलने का मतलब है कि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुमने पेपर ठीक से बनाए होंगे। सच में इस पेपर को आग लगा देना ही बेहतर होगा, क्योंकि इसे साइन करने वाले कोई नहीं आने वाला। भैया, ये फिर से कैसे बच गया? ये क्या हुआ आपको? लल्ला, इतनी चोट कैसे लगी? ये क्या हुआ? नहीं दादी, आजकल लोग अंधे होके गाड़ियां चला रहे। वो तो ऐन मौके पे मेरा दिमाग काम नहीं करता तो आज भगवान को प्यारा हो जाता मैं। लल्ला, कैसी बातें कर रहे हो? पर भैया, आपको बहुत चोट लगी है। अंत भला तो सब भला। तुम्हारे हाथ में क्या है? भैया, वो मैंने पेपर दोबारा बनवा दिए थे, बस आपके साइन रह गए इसमें। क्या लाओ? देखो तो सही, लल्ला को कितनी चोट लगी हुई है, उसके हाथों में पट्टियां बंधी हुई है, ऐसे में वो हस्ताक्षर कैसे कर सकता है? सॉरी भैया, वो मैंने आपका हाथ देखा ही नहीं। आई एम सॉरी। तरीका, एक काम करो, जल्दी से जाओ और लल्ला के लिए हल्दी वाला दूध ले आओ, इसके जख्मों को जरा आराम मिलेगा। मुझे मजे भी लाए। हाँ, हमें तो ऐसा लगता है कि जब भी शगुन भौरिया तुम्हारे साथ होती है ना बेटा, तुम्हारे किस्मत का सितारा बहुत बुलंद होता है। सही कह रही हैं दादी आप, शगुन मेरी किस्मत है और उसके बिना मैं अधूरा हूँ। लल्ला, हम तो चाहते हैं कि शगुन बहुरिया जल्द से जल्द तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाए। वो कब आ रही है? कल आपकी बहू आपके सामने होगी दादी। अच्छी बात है, आराम कर बेटा। शगुन, सब भूखे होंगे, जल्दी खाना लगा दो। जी बुआ। 4 साल से लापता हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे घर वाले कौन हैं। कहीं उन्हें ये ना लगता हो कि मैं मर गई हूँ। मुझे पहचान तो पाएंगे ना? निकी, परिवार ना तो कभी हाथ छोड़ता है और ना कभी भूलता है। देखना, तुम्हारा परिवार तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। काश ऐसा सच हो। आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। और मुझे धीरे धीरे याद भी आ रहा है कि जो इंसान हमारी मदद कर रहा है वो कौन है। ये तो चंगी गल है पुत्र जी, पर मम्मी जी ये काफी नहीं है। अभी हमें ये सोचना होगा कि आप दोनों को दवाई लेने से कैसे रोका जाए।
क्योंकि जब तक आप दवाई लेना नहीं रुकेंगे तब तक आपकी याददाश्त वापस कैसे आएगी? लेकिन हम कब तक बचते रहेंगे? जब तक हम इस घर पे करण हमें जबरदस्ती दवा खिलाता रहेगा। हाँ जी पुत्र जी, निक्की बिल्कुल सही कह रही है, हम उससे कब तक बचेंगे? मैं ना कुछ भी करके यहाँ से भाग जाऊंगी। निक्की तुम चिंता मत करो, मामी जी मुझे पूरा यकीन है शुभ हमें कल जल्दी से यहाँ से बचा के ले जाएंगे, बहुत दूर ले जाएंगे। पुत्र जी हम उसके भरोसे नहीं रह सकते, अगर वो नहीं आया तो करण हमें मार तो नहीं डालेगा ना? नहीं निकी ऐसा कुछ नहीं होगा। पुत्र जी तुम एक काम करो, तुम खाने की प्लेट लेके आओ, मैं अभी आई। ये लो पुत्र जी। मामी जी ये क्या है? नींद की गोलियां। मुझे आपके पास कहां से आई? अरे पुत्र जी मुझे नींद आने की बीमारी है, करण पुत्र जी ने ही मुझे दी थी, अब हम उसी की गोलियां उसी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। पर मामी जी ये खाने से वो मर तो नहीं जाएगा? अरे नहीं पुत्र जी, सिर्फ नींद आएगी और वो अच्छे से चैन से सो जाएगा तो हम तीनों भाग सकते हैं ना। लाइए भाभी मैं ठीक कह रही हूँ मम्मी जी। उन्हें पता तो नहीं चलेगा ना? नहीं पुत्र जी, रब उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। जी कारण जी खाना। ओह थैंक यू जी, बहुत भूख लगी थी जी। ओ जी हाँ जी, कितने जा रहे हो तुसी? मेरे नाल बैठो जी। आज मेरी वजह आप पर गुस्सा कर देता, एक्चुअली ये घर की कोई भी चीज ना आपकी मुस्कुराहट से कीमती थोड़ी ना है। मेरे हाथ से एक निवाला खा लो, मुझे ऐसा लगेगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। नहीं ये तो आपका खाना है ना? मैंने पता है आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो मेरे साथ, क्योंकि मेरे बर्ताव से आप नाराज हो ना अभी भी। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, प्लीज। ये निवाला हमारे रिश्ते की नई शुरुआत के लिए। अब आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे भला नाराज कैसे हो सकती हूं? और मैंने आपके लिए इतने प्यार से खाना बनाया है, आप खाएंगे ना तो मैं खुश हो जाऊंगी। प्रीति जी तुसी चाहते क्या हो? मैं आपसे प्यार से पेश आ रहा हूँ और आप जो है वो नखरे दिखा रही हो। नहीं ऐसा नहीं, गुस्सा दिला रही हूँ मैं, गुस्सा मत दिलाओ, खा लो।
ये हुई ना एक अच्छे बीवी वाली बात। और खाइए। नहीं बस आप खाइए। अरे आप खाएंगी ना तो मेरे पेट लगेगा। हार रात में इसके सपनों में मैं आने लगा हूं। खुशखबरी मिल गई तोनू। क्या कहा था तुमने? वक्त तुम्हारे इशारों पे चलता है। हाँ जी बेवकूफ, शुभ जिंदा है। और अब उसने तुम्हारे सारे प्लान्स को जलाकर राख कर दिया है। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे जैसे बेवकूफों के साथ कुछ भी हो सकता है। और हाँ एक और बात, शुभ अपनी शगुन को लेके घर वापस आ रहा है कल। अब तुम देख लो तुम अपनी प्रीति को शुभ से कैसे बचाते हो। इडियट। ये लो आज का खुराक। हाँ जी पिताजी। लो बेटा जी लीजिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया जी। आपको क्लिनिक जाना है ना? मैं टिफिन पैक कर देती हूँ जल्दी से। ओ कोई लोड नहीं है जी, आज मुझे घर पे ही काम है तो घर पे ही हूँ मैं। अच्छा ठीक है। अब क्या करें? ताला नहीं और गाड़ी भी घर पे, इसका मतलब करण घर पे है। क्या होगा अगर वो हमें बचाने आए तो हम सब मारे जाएंगे। मुझे उन्हें कैसे भी करके बचाना होगा। सोनियो
दूसरी दरवाजा क्यों खोल रहे हो? मैं खोलता हूँ ना। अंदर कहाँ जा रहे हो? अरे अंदर यही मेरा घर है यहाँ। अरे हम क्या कह रहे हैं, हमारा घर है, तेरा ही घर है, तो नाच रहे। हम तो तेरे लड़कियों ने खुशी में नाचने आई है। हाँ ए बजा रे पिंकी। छुपाओ मुझे। आप लोगों बोल रहा हूँ बाहर जाओ। अरे 11 नंबर घर नहीं है क्या? 12 नंबर घर है ये, 11 नंबर बगल में। अच्छा ठीक है ठीक है, गलती हो गई हमसे। इतना गर्म क्यों हो रहा है और ऐसे ऐसे धमका भी रहे हमें आप? ए चलो रे बहनों चलो। गलती होगी कोई बात नहीं, जितने जा तेरा लड़का होगा तब तो मैं आऊंगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ गड़बड़ है? मुझे पता करना पड़ेगा।